हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाएंगे रंग बिरंगा रेनबो केक। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाउल में लिया है 1 कप ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 कप ही कंडेंस मिल्क। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल और कंडेंस मिल्क आपस में बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाए, अलग अलग नहीं रहने चाहिए। देखिए, ये देखिए, अब अच्छे से हो गया मिक्स। अब हम इसमें छानेंगे अपना मैदा। मैंने यहाँ 2 कप मैदा ले ली है, क्योंकि हमें केक्स जो हैं ज़्यादा बनाने हैं, छोटे छोटे बनाऊंगी हालांकि मैं, मगर अलग अलग कलर के बनाने हैं, रेनबो कलर के, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है बैटर। इसको अच्छे से छान लिया है, जिससे कि बिल्कुल भी गांठे ना रहें इसमें, ज़रा सी भी कुछ भी। इसमें मैंने पाउडर शुगर ले लिया है 1 कप, और साथ में बेकिंग सोडा मैंने 2 छोटी चम्मच डाली हैं, और बेकिंग पाउडर के लिए 2 बड़ी चम्मच ली हैं, क्योंकि मैंने सारा ही बैटर ज़्यादा लिया है डबल डबल बनाने के लिए। अब इसको भी अच्छे से छान लेंगे। वैसे केक बनाने की वीडियो में पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, तरीका ज़्यादातर वही होता है, चाहे आप माइक्रोवेव में बनाएं या कुकर में बनाएं। इसको अच्छे से सबको हमने छान लिया है, जिससे सब चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, सारी चीज़ आपस में मिल गई हैं बिल्कुल। हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे, और दूध डाल के इसको बैटर को तैयार करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि बिल्कुल वही बने, एकदम बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें, एक भी गांठ नहीं आनी चाहिए, और बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, जो मतलब कि आराम से मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा मेरा बैटर तैयार हो जाए ज़रा, फिर दिखाती हूँ कैसा हमारा मेन रहना चाहिए। ये देखिए, अब मेरा करीब करीब तैयार हो गया बैटर बन के। ये देखिए, मिक्स कर लिया अच्छे से। देखिए, ये रही कंसिस्टेंसी इसकी, ऐसी बिल्कुल चाहिए हमें। इसमें डाल लेते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट, इसका फ्लेवर अच्छा रहता है। ये आप कोई सा भी केक बनाएं, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बाकी आपकी चॉइस है। अभी देखिए, मेरा तैयार है बैटर। इसको डिवाइड्स कर लेते हैं हमने जितने भी कलर्स बनाने, अलग अलग कलर्स के हिसाब से मैं इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी। तो हम तो रेनबो के हिसाब से बना रहे हैं, तो पूरे रेनबो के कलर्स मैंने बनाने हैं। आपके पास जो कलर है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। मैं इनको अलग अलग बाउल्स में निकाल के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, जिससे कि केक्स मेरे सारे बिल्कुल बराबर बने, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। उनमें कलर्स डाल लेते हैं। मैंने सबसे पहले जो है पर्पल कलर लिया है। मैंने लिक्विड फूड कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ड्राई भी ले सकते हैं। बस ये कि हमारा कलर अच्छे से मिक्स होना चाहिए, कलर मेन आना चाहिए जो हमें चाहिए, वो वाला। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर। ये देखिए, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तीसरा कलर ले लेते हैं, ये है ग्रीन कलर। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। कलरफुल चीज़ तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी कलर्स मैंने ले लिए हैं। इनको मैं बनने के लिए रख देती हूँ। आप इनको किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, चाहे तो इसको माइक्रोवेव में बनाएं, चाहे कुकर में बनाएं। मैंने भी इनको अपना तैयार कर लिया है अलग अलग प्लेट्स में, और इनको तो मैं एक साथ, मेरे 3-3 4-4 बन जाएंगे, मैं इसमें बनाने के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे चाहें आप इनको बना लीजिए। मेरे पास ये स्टैंड है, मैं इसमें बनाने के लिए रख देती हूँ। मैंने नीचे का पार्ट्स खाली छोड़ दिया, क्योंकि नीचे जल्दी जल जाता है, ऊपर का कच्चा रह जाता है। नमक डाल के मैंने इसको इसमें कुकर में इसके बंद करके रख देती हूँ 30 से 40 मिनट के लिए, बेक होने के लिए, क्योंकि पतले केक हैं, जल्दी बेक हो जाएंगे। इतने तैयार हो रहे हैं, यहाँ व्हिपिंग क्रीम तैयार कर लेते हैं हम। ये देखिए, इसको भी अच्छे से फेंट लेंगे, साथ में वनीला एसेंस इसमें भी डाल देंगे थोड़ा सा। देखिए, मेरी तैयार हो गई व्हिपिंग क्रीम भी, उधर केक्स भी मेरे सारे बन चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे कलरफुल से केक्स। अब इनको डेकोरेट कर लेते हैं। सबसे पहले पर्पल लिया है मैंने, उसमें शुगर सिरप लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग में मैंने यहाँ पे रख लिया, भर लिया था अपना। इसको इस तरीके से लगाना, क्योंकि बहुत आसान होता है, आप इस तरीके से अगर आप लगाएंगे अपनी क्रीम तो बहुत ईजीली लग जाती है, फिर नाइफ से आराम से फैल भी बहुत जल्दी जाती है और इकसार आती है। अगर आप ऐसे पाइपिंग बैग से ना लगाना चाहें, डायरेक्ट लगाना चाहें, वैसे भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर ब्लू कलर रख लेते हैं। सब में ही आप शुगर सिरप ज़रूर लगा लीजिएगा, मैंने सब में एक साथ लगा दिया है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। मैंने सब में शुगर सिरप और उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम। देखिए कितना खूबसूरत, एकदम से जल्दी जल्दी बनता जा रहा है, लगता जा रहा है। अब बच्चों को तो कलरफुल बहुत ही पसंद आएगा। अभी ग्रीन कलर रख लिया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट नाइफ से और स्पून से भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं येल्लो कलर लगाती हूँ,
इसमें ऐसे स्पून से आप रखिए और नाइफ से इस तरीके से फैला दीजिए, बहुत अच्छे से लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत लगते जा रहे हैं सारे, अब ऑरेंज कलर, कलरफुल चीज़ वैसे ही बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अब रेड कलर लगा लिया है फाइनली ऊपर, देखिए कितने खूबसूरत सारे कलर आ रहे हैं ये। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं फाइनल कोट ऊपर से। डेकोरेट तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपकी जैसी भी चॉइस हो। चारों तरफ से मैं इसको कवर कर देती हूँ इस तरीके से, और मैंने वैसे भी रेनबो स्प्रिंकल्स घर में बना रखे हैं कुछ, मैं उन पर वो लगाना चाह रही हूँ। आप चाहे तो डेकोरेशन के लिए कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे तो कलरफुल इसी में ऊपर से कलर्स भी डाल सकते हैं। मैंने स्प्रिंकल्स घर में बना रखे थे थोड़े से, ये मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि रेनबो कलर का हम केक बना रहे हैं तो रेनबो स्प्रिंकल्स भी अच्छे लगेंगे। डेकोरेशन तो हमारी अपनी इच्छा के हिसाब से होती है, आप जैसा चाहें वैसे डेकोरेट कीजिए। कुल मिला के बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद आता है। केक्स बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, ये तो हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप जितना मर्जी जैसे मर्जी चाहें। मैंने यहाँ पे थोड़े स्प्रिंकल्स छोटे वाले ले लिए हैं, आप जैसे चाहें वैसे बनाएं, केक्स उसी तरीके से होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बस, और बाकी हमारी सबकी क्रिएटिविटी होती है, तरीका वही होता ज़्यादातर। और देखिए हमारे केक्स बन के तैयार हो जाते हैं, चाहे आप सिंगल बनाएं, चाहे डबल बनाएं, ट्रिपल बनाएं, रेनबो बनाएं, सब उसी तरीके से बन जाते हैं। तो हमारा रेनबो केक बन के बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसको देखिए कटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसके असली कलर्स तो कटिंग के बाद ही दिखाई देंगे, जो अंदर से इसका लुक आएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा ऊंचा ज़रूर बनता है ये, मगर बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए कितना खूबसूरत से इसमें कलर्स आए हैं। तो फ्रेंड्स हमारा रेनबो केक बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से एक बार रेनबो केक्स बनाएँ, खाएँ और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।